इनका हो गया डीएमओ मंसू लुएन जुस्तो मंसा मंसी कंपिस्तदा मरी ब्यूटी चूसा कदा मुझे नीक ब्यूटी नस्ते कदा दाने दर पोता ये है दोस्तों भाभी ने भिजाया टिफिन भिजाया और अभी देखते हैं इसको ओपन करते हैं भाभी ने क्या भिजाया है और मुझे आज क्या मिलेगा खाना खाने को। रुपये कुछ इसके मिल रहे हैं और इनको पिकअप करने का दोस्तों। और एक बात दोस्तों, बहुत जने लोग मैंने जो पिछला वीडियो किया था दोस्तों सेकेंड हैंड ऑटो के बारे में, इसके जो रेटों के बारे में दोस्तों, तो बहुत जनों को डाउट है दोस्तों कि 4 स्ट्रोक की गाड़ी 3 लाख में कैसे आ सकती है और 2 स्ट्रोक की गाड़ी 20 का मॉडल 4 लाख में 4,20,000 में कैसे आ सकती है बोल के। तो दोस्तों इसमें डिफरेंस बस इतना ही है दोस्तों, उसमें जो है 2 स्ट्रोक में मेंटेनेंस कम है, इसमें जो है आप तकरीब। तो दोस्तों अपने को एक दूसरी सवारी भी मिल चुकी है और कस्टमर का नाम है हर्षिता दोस्तों, और इसको लेके जाना है मुझे कुकटपल्ली के पास। लग रहा है दोस्तों यही है कस्टमर आगे जो आ रही है, ये हो सकती है हर्षिता। हर्षिता ऊपर मैडम कुछ और कमीशन कुछ मेरे 4559 कोकटपल्ली कदा देखो। और ये हमारे धूप काले का देखिए दोस्तों, धूप काले का सहारा ये फोना खराब हो जाते हैं धूप काले से, ये देखिए पूरा धूप फोन पे ही गिर दिए तो हमारे फोना खराब हो जाते हैं बोल के। देखिए ये हमारा जुगाड़ है ये हाँ। ये जो पार्किंग के जो बोर्ड ऐसे लगाते हैं रोडों पे प्लास्टिक से, ये ऐसे लगा लेते हम और फ़ोन बचा लेते इससे और धूप से सेफ्टी हो जाती फ़ोनों को, हमारा जुगाड़ का तरीका है दोस्तों। और चलिए सवारियाँ देखते हैं, कारोबार देखते हैं। तो हेलो भाई दोस्तों, मैं आपका दोस्त ऑटो राजकुमार। तो कैसे आप, आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज सोमवार का दिन है दोस्तों, 18 तारीख है और 2 दिन से मैंने कुछ ब्लॉग किया नहीं है और जो पुराने ब्लॉग किया हूँ दोस्तों उनमें एक जो सेकेंड हैंड ऑटो के जो रेटा मैंने बताया उसमें थोड़े लोगों को कन्फ्यूजन है और वो कन्फ्यूजन क्या है वो भी आज आपको बताऊँगा और आज के कारोबार कितना होगा वो भी आपको मैं दिखाऊँगा दोस्तों, और नए कस्टमर के साथ भी मिलेंगे। तो चलिए बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए दोस्तों, प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब दोस्तों। चलिए तो सवारियाँ आ रहे हैं, अभी रैपिडो भी ऑन कर दिया और ऊबर भी ऑन रखे बैठा हूँ दोस्तों। तकरीबन 11 बज रहे हैं, ये देखिए 11:30 बज रहे हैं दोस्तों, और ऊबर भी चालू है और रैपिडो भी चालू है दोस्तों। तो पहली सवारी कौन सी मिलती है देखते हैं दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, अपने को सवारी मिल चुकी है, कस्टमर का नाम शिवा है और इसका लोकेशन तकरीबन 200 मीटर के पास है दोस्तों। तो चलिए इनको पिकअप करते हैं दोस्तों इनको। तो लोकेशन के पास पहुंच गया दोस्तों और कस्टमर को नेट कॉल भी किया हूं, अभी कस्टमर आएंगे, वेट कर रहा हूं मैं कस्टमर। ये गायत्री नगर के अंदर आया सर मैं, गाड़ियाँ ऐसा बुक करते हैं, ऑटो बुक करवा के ऐसे कि लगे जा ड्राइवर से उठाते हैं हमारे देखो तकलीफ ऐसे ऐसा। ये देखिए लगेज भी उठाओ, इनका सामान भी डिलीवर करो, ये सब हमारे ड्राइवरों के तकलीफ साहब। अब ये उठा के अंदर लगाना है और ड्रॉप लोशन के बाद ड्रॉप करना है दोस्तों। तो चलिए पहली सवारी अपनी कंप्लीट हो चुकी है और अपने को कस्टमर नहीं है तकरीबन 200 रुपये और इसका बिल रहा दोस्तों 163 और लगेज के ऊपर से उसने 20-30 रुपये दिए दोस्तों। और ये राइड कंप्लीट करते हैं और ये हमारे धूप काले का देखिए दोस्तों, धूप काले का सहारा ये फोना ख़राब हो जाते हैं धूप काले से, ये देखिए पूरा धूप फोन पे ही गिर दिए तो हमारे फोना ख़राब हो जाते हैं बोल के। ये देखिए ये हमारा जुगाड़ है ये हाँ। ये जो पार्किंग के जो बोर्ड ऐसे लगाते हैं रोडों पर प्लास्टिक से, ये ऐसे लगा लेते हम और फ़ोन बचा लेते इससे और धूप से सेफ्टी हो जाती फ़ोनों को, हमारा जुगाड़ का तरीका है दोस्तों। और चलिए सवारियाँ देखते हैं, कारोबार देखते हैं। तो दोस्तों अपने को एक दूसरी सवारी भी मिल चुकी है और कस्टमर का नाम है हर्षिता दोस्तों, और इसको लेके जाना है मुझे कुकटपल्ली के पास। लग रहा है दोस्तों यही है कस्टमर आगे जो आ रही है, ये हो सकती है हर्षिता।
ऊबर मैडम कुछ और नहीं। ओके मिशन कुछ और नहीं मेरे 4559 कोकटपल्ली कदा दोस्तों सेकंड सवारी भी कंप्लीट कर ली, कुकटपल्ली के पास लेके आया हूँ दोस्तों, और इसका जो अमाउंट हुआ है 217। तो चलिए क्लोज करते हैं इसको और कस्टमर को देते हैं 5-स्टार रेटिंग। और चलिए तो आप देखो सवारी दूसरी मिल चुकी है दोस्तों, कस्टमर का नाम है ऋत्विक और सामने ही खड़े हैं ऋत्विक आ जा भाई, कौन है मेरे यार, मेरे लाल, मेरे पीले, अरे कहाँ पर है यार तू ऋत्विक, राम की मंडी के पास, तेरे राम की मंडी तो कुकटपल्ली में भी आ गया भैया। आए कब तो आ एजेंटा ना एजेंटा सिक्सटीना बीएस అంటే సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్నావు 16 ఇయర్స్ ఆ అరే లేనా నీ వయసు అంటే 22 లైన్ ఉండాలి, సెకండ్ ఇయర్ చేస్తున్నావు అంటే 20 మినిమం 20 అయినా ఉండాలి, అదే అంటున్నా కదా చాలా తక్కువ ఏజ్ ఉంది నీది, చదువా లేకుంటే హార్టా ఏం చూస్తావు, ఒకటి అన్నా బ్యూటీ, ఒకటి అన్నా ఎడ్యుకేషన్, ఇంకా ఒకటి ఏమో మనసు, నువ్వేం చూస్తావు మనసా, మనసు కనిపిస్తుందా, మరి బ్యూటీ చూస్తావు కదా నువ్వు, ముందు నీకు బ్యూటీ నచ్చితేనే కదా నువ్వు దాని దగ్గర పోతావు, దాని తర్వాత నీకు మనసు అర్థమవుతుంది, ఒక 3 క్వశ్చన్ అడగనా అది చెప్తే మరి 20% డిస్కౌంట్ ఇస్తా, అరే ఆడు ఏమవుతుంది తో దోస్తో అప్నేకు జో హై తీసరి సవారీ మిల్ చుకీ హై ఔర్ ఇస్కా నామ్ జో హై దోస్తో సుందర్ హై యే దేఖియే నామ్ జో హై దోస్తో దిఖ్నే రహా హోగా ఆప్కో తక్రీబన నామ్ జో హై దోస్తో సుందర్ హై ఔర్ ఇన్కో జానే కా హై కుచ్ నామ్ తో ముజే సమాధ డ్రాప్ లొకేషన్ ముజే సమజ్ మే నీ ఆయా कहीं दूर ही जाना है, तकरीबन 20 किलोमीटर दूर ही है दोस्तों, और 300 रुपये कुछ इसके मिल रहे हैं और इनको पिकअप करने का है दोस्तों। और एक बात दोस्तों, बहुत जने लोग, मैंने जो पिछला वीडियो किया था दोस्तों सेकंड हैंड ऑटो के बारे में, इसके जो रेटों के बारे में दोस्तों, तो बहुत जनों को डाउट है दोस्तों कि 4-स्ट्रोक की गाड़ी 3 लाख में कैसे आ सकती है और 2-स्ट्रोक की गाड़ी 20 का मॉडल 4 लाख में, 4,20,000 में कैसे आ सकती है बोल के। तो दोस्तों इसमें डिफरेंस बस इतना ही है दोस्तों, उसमें जो है 2-स्ट्रोक में मेंटेनेंस कम है, इसमें जो है आप तकरीबन 500-600 रुपये में आप उसकी ग्रीसिंग कर ले सकते हैं, आपको 1 लीटर का पेट्रोल का डब्बा लगेगा और 4 लीटर का गियर ऑयल का पैकेट लगेगा और 200 रुपये गाड़ी धोने के और 300 रुपये ग्रीसिंग करने के 500-600-700-800 में आपकी सर्विसिंग हो जाती है दोस्तों। पर 4-स्ट्रोक की गाड़ी का अलग है, 2-स्ट्रोक की गाड़ी में आप 1.5 महीने में एक बार उसको सर्विसिंग करते हैं, पर 4-स्ट्रोक की गाड़ी में क्या है दोस्तों, 3 महीने को एक बार सर्विसिंग होती है और वो भी 2 लीटर इंजन ऑयल के साथ, और उसका ऑयल फिल्टर बदलना पड़ता है और ग्रीसिंग व्रीसिंग के बारे में, मतलब 2000 4-स्ट्रोक गाड़ी के लिए 2000 आप पक्के रखिए और 2-स्ट्रोक गाड़ी के लिए आप 800 रुपये पक्के रखिए सर्विसिंग के लिए। तो इसमें मेंटेनेंस का फ़र्क है दोस्तों, और इंजन की बात बोलूँ तो 2-स्ट्रोक का इंजन जो है 5000 में फिट होता है और 4-स्ट्रोक का गाड़ी का जो इंजन है वो 20000 का इंजन फिट होता है, मतलब समझ लीजिए डीजल का ऑटो भी 20000 में ये होता है दोस्तों फिट होता है, और 4-स्ट्रोक गाड़ी का भी 20000 में फिट होता है, पर एक ही बार होता है और अच्छे से अगर आप चलाएंगे मेंटेन करेंगे तो वो भी नहीं निकलेगा, 2-3 साल तो मिनिमम पकड़ के चलिए नहीं निकलेगा दोस्तों। तो चॉइस आपकी है दोस्तों, बस मेंटेनेंस का फ़र्क है, आप देख लीजिए आपको कौन सी पसंद आती है। तो बहुत जने मुझे कमेंट कर रहे थे उसके वास्ते मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों
दोपहर के 11 बज रहे हैं और खाना खाने का मेरे को, और भाभी ने क्या टिफिन भिजाई है और वो भी देखने का आज, और ज़रा मुँह धो लेता हूँ ज़रा। और हमारा टाइम ये छोटा है दोस्तों, तकरीबन 2 बजे से लेकर 4 बजे तक खाना खा लेते हैं हम। हमारा टाइम कारोबार के ऊपर डिपेंड है, कारोबार अच्छा रहेगा तो खाना हम जल्दी नहीं खाएंगे, और कारोबार नहीं होगा तो परेशानी से नहीं खाएंगे खाना। अगर कारोबार है तो भी खाना छूट जाता है, और खाना अगर कारोबार नहीं है तो भी कहेंगे कारोबार छूट ही जाता है दोस्तों। तकरीबन 2 बजे से लेकर 4 बजे तक हमारे ऑटो ड्राइवर वाले दोस्तों 4 बजे खाना खा लेते हैं, 2-2.5 बजे तक खाना खा लेते हैं दोस्तों, ये टाइम होता है हमारा। ज़रा मुँह धो लेता हूँ दोस्तों ज़रा। चलिए फ्रेश तो हो गया ज़रा, भाभी की भाभी ने टिफिन भिजाया है, ज़रा देखते हैं भाभी ने क्या भिजाया ज़रा, और आपको बताता हूँ दिखाता हूँ ज़रा भाभी ने क्या भिजाया आज, तो चलिए देखते हैं। ये है दोस्तों भाभी ने भिजाया, टिफिन भिजाया है, और अभी देखते हैं इसको ओपन करते हैं, भाभी ने क्या भिजाया है और मुझे आज क्या मिलेगा खाना खाने को। चलिए वेट करिए, अभी दिखाता हूँ आपको मैं। तो ये है दोस्तों, ये है तुअर की दाल, घट दाल, तुअर की दाल साउथ में बनाते हैं, घट दाल बोलते हैं इसको, तुअर की घट दाल बोलते हैं इसको। और ये अपना राइस है, और ये मिर्ची है दोस्तों, बहुत ही कमाल की मिर्ची है। इसमें तकरीबन मिर्ची में अदरक लहसुन और नमक भर के तेल पे तलते हैं, और मस्त टेस्ट आता है दोस्तों। आप एक बार खाओगे तो मतलब आप याद रखोगे इस चीज़ को, मतलब मिर्ची भी इतनी टेस्टी हो सकती है क्या बोल के ऐसे। अपन भाभी ने कम भी जाया है, फिर भी ठीक है, खा लेते हैं। और 3 मिनट से काम चलाना पड़ेगा मुझे। और देखिए हमारा ऐसा होता है, रोड पे खाना खाते हैं तो मक्खियाँ भी आते हैं, ऐसे उड़ाना पड़ता है हमारे को रोड पे का खाना। और आप एसी में खाते हैं और घरों में खाते हैं तो ऐसा है हमारा रोड पे स्ट्रगल। एक ड्राइवरों का, हमारे जो भी है, लारी ड्राइवर हो या ऑटो ड्राइवर हो या कोई भी हो, बाइक वाले हो, कोई भी रोड पे खाने वाले, इस तरह से खाते हैं। तो चलिए भोजन करते हैं ज़रा दोस्तों, भोजन की शुरुआत करते हैं, खाना। चलो ज़रा खाना शुरुआत करते हैं दोस्तों। और राई दाल ये देखिए, इस तरह से दाल डाल दीजिए। चलिए तो भोजन करता हूँ दोस्तों, खाना खा लेता हूँ ज़रा पेट में कुछ डाल लेता हूँ ज़रा, बहुत भूख लगी हुई है। और ये देखिए हमारे नॉर्मल ड्राइवरों का खाना ऐसा रहता है दोस्तों, चावल और दाल, और कुछ अगर मुँह के टेस्ट के वास्ते कुछ अलग चीज़ ले लेते हैं ज़रा, बाहर से समोसा मिर्ची कुछ तो भी साउथ में। तो ये है खाना दोस्तों, चलिए ज़रा खाना खाता हूँ ज़रा। और ये बारीक चावल नहीं है दोस्तों, ये नॉर्मल चावल है, ये बारीक चावल तो हम खाते भी नहीं है, नॉर्मल चावल है, देखिए मोटा चावल है ये। बहुत जनों को तो बारीक चावल चाहिए, पर क्या है, जो मिला भगवान ने दिया उसको खाना ही चाहिए, सब खाने की चीज़ ही है। तो ज़रा टेस्ट अच्छा है दोस्तों, भाभी ने बनाया तो ज़रा खाना अच्छा है बहुत। तकरीबन इतनी एक टिफिन तो लगी जाती है, मतलब 6 बजे तक इतना तो बस ही हो जाएगा, फिर बाद में कुछ बाहर से कुछ खा लेंगे दोस्तों। तो घर से टिफिन ला लेता हूँ, और इतना पेट भर जाता है दोस्तों। दाल बहुत अच्छी है दोस्तों, इसको घट दाल बोलते हैं हमारे पास साउथ में बोलते हैं, तुअर की दाल घट दाल बोलते हैं इसको, बहुत अच्छे दोस्तों। ज़रा खाना खाने के बाद फिर आपको मिलता हूँ दोस्तों ज़रा। और बोलता हूँ अभी तक का कारोबार दोस्तों मेरा जो है, तकरीबन 300 सवारी कंप्लीट कर चुका हूँ, 3 सवारी कंप्लीट कर चुका हूँ, 600 रुपये हो चुके हैं, और टाइम हो रहा है दोस्तों तकरीबन 2:30 बज रहे हैं। तो कारोबार नहीं था इसके वास्ते ज़रा, देखो दोस्तों 3 बज चुके हैं और मेरी जो अर्निंग है तकरीबन 500 रुपये है, अभी तक मेरी अर्निंग जो है 500 रुपये, 3 बज चुके हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं टाइम। तो ये कारोबार है दोस्तों हैदराबाद में। और दोस्तों जब से YouTube पे ज़रा मेरा शौक जो बढ़ा है, और आपने आपका जो प्यार मिला है दोस्तों, उसकी वजह से क्या है ज़रा YouTube पे मेरा टाइम भी बढ़ गया, और कारोबार पे वक्त भी कम हो गया दोस्तों, कारोबार पे वक्त कम हो गया तो अर्निंग भी कम हो रही है। तो आपके प्यार के मजबूर होके YouTube पे ज़्यादा समय दे रहा हूँ और कारोबार पे कम समय दे रहा हूँ, इसके वास्ते ये मेरा हाल है दोस्तों। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब दोस्तों, और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, और आपके भाई को मोटिवेशन भी मिलेगा और हिम्मत भी मिलेगी YouTube करने के वास्ते। तो चलिए दोस्तों अभी एक सवारी मिली है दोस्तों सिकंदराबाद की, ये देखिए, और ये देखिए दोस्तों कस्टमर मिल चुकी है, हरिणी है कस्टमर, और इनको जाना है सिकंदराबाद,
और तकरीबन इसका किलोमीटर पिकअप बहुत दूर है दोस्तों, फिर भी मजबूरी है, कारोबार नहीं बल्कि जाना पड़ रहा है। तकरीबन 3 किलोमीटर आ रहा है दोस्तों, पिकअप का जो लोकेशन है 3 किलोमीटर है। अगर आपको दोस्तों देखिए, अगर ये मैप अगर ओपन नहीं हो रहा है तो आपको एक चीज़ और एक करनी है दोस्तों, इसको क्या करिए, आप इस पेज को निकाल दीजिए, मैप के पेज को निकाल दीजिए और फिर से ट्राई करिए और आपका मैप जो है आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए आ जाएगा, अभी अपडेट हो गया, आ जाएगा, लोकेशन बता देगा आपको, देखिए आ गया। देखिए कभी अगर आपको मैप काम नहीं कर रहा तो ऐसे ही ट्राई करिए। और ये देखिए इतना दूर है, ये तकरीबन आ रहा है 2.5 किलोमीटर तक आ रहा है दोस्तों। तो चलिए पिकअप करते हैं कस्टमर को। तो मुझे सवारी जो मिली दोस्तों हैदराबाद यूनिवर्सिटी की, जो आईटी कंपनी है हैदराबाद यूनिवर्सिटी, उसमें सवारी मिली दोस्तों। और तकरीबन 1.5 किलोमीटर का रास्ता है दोस्तों ये पूरा अंदर, और साउथ से लेके ईस्ट से लेके वेस्ट तक। तो यहाँ पे आपको हर एक स्टूडेंट मिलेगा दोस्तों यहाँ पे। तो चलिए पिकअप करते हैं उन्हें। लोकेशन आपका वहाँ पे दिखा रहा मैडम, पीछे वहाँ चले गया, मैं क्वार्टर के पीछे चले गया, वहाँ पे जाके कॉल कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे जंगल में कौन बुला रहा मेरे को, फिर पलट के यहाँ पे आया मैं। सही है लगेज या मैं फिर उठाऊँ क्या? और आने वाले क्या बोले, OTP 5887। जंगल में लेके गया मैडम पूरा जाके। 5 बज रहे भैया, कारोबार जो है क्या बोलूँ, वहाँ की किरकिरी हो गई यहाँ पे, बैगन के कारोबार ना चल रहे पूरे, और मेरा तो और ज़्यादा ही है ये यूट्यूब के चक्कर में, मेरा और कारोबार बहुत ज़्यादा ही छोड़ा मेरा तो। तो जो कमाना है तकरीबन 4 बजे, जो कमाने का है वो 6 बजे कमा रहा हूँ, और अभी 4 बज रहे हैं दोस्तों, तकरीबन 5 बज रहे हैं। अभी मेरा कारोबार कितना आपको बताता हूँ, ज़रा देखिए ज़रा। तो ये देखिए दोस्तों मेरा कारोबार तकरीबन, ये तो सवारी आ रही है 87 रुपीज़ की, ऊबर में दिखाता हूँ मेरी अर्निंग आपको। ये देखिए दोस्तों 850 रुपये करके बैठा हूँ, 5 बज रहे हैं, 850 रुपये कमा के बैठा हूँ दोस्तों, और अभी तक रैपिडो में एक भी सवारी मारा नहीं हूँ। ये देखिए रैपिडो के अंदर देखो 0 अर्निंग है अभी तक भी, तो कोई ढंग के सवारियाँ मिली नहीं रहे दोस्तों कारोबार करने के वास्ते। जो नहीं बनाते दोस्तों तकरीबन कारोबार 3,000 हुआ, 2,500 हुआ, बल्कि 12 घंटे चला रहा हूँ तो 3,000 हुआ बल्कि कारोबार बताते। अब ऐसे लोगों को क्या बोलूँ, दूसरे डाउन आ रोरे बोलते हैं लोग, बैगन में मिलाने के बात ना करते, और बहुत ही बोलो ना, 4 आने की मुर्गी 12 आने का मसाला हो गया। तो चलिए दोस्तों अपने को सवारी मिल चुकी है प्रशांति करके कस्टमर का नाम, और रैपिडो को बंद कर दूंगा मैं अभी, और अपने को जाने का दोस्तों बोर्डपल के पास, तो चलिए पिकअप करते हैं उसको। वच्चा मैडम एकड़ उन्नार मेरे सर ने चौरसा देख रहा हूँ ना इकड़ा। हलो अवन चेंज हुई 0924। కనిపించారు OTP। ఇంకా ఎవరు రావాలా? तो रात के 8:30 बज रहे हैं दोस्तों, और मेरा दिन जो है कुछ भी उतना खास गया नहीं है दोस्तों, एकदम बेकार से गया है। सुबह निकला था मैं 11 बजे, और 11 बज के फिर अभी बज रहे हैं 8:30। तो माँ की किरकिरी भाई, बैगन का कारोबार हो गया है तकरीबन 1200 रुपये 1100 रुपये ऊबर से कमाए, और 150 रुपये जो है रैपिडो से कमाए दोस्तों। अभी आपको अर्निंग बताता हूँ मेरी, तो भाई देखो मेरी ऊबर की जो अर्निंग है तकरीबन 1070 रुपये है, और रैपिडो में अभी एक सवारी मारी मैंने, और उसके मुझे मिल रहे हैं देखिए दोस्तों 150 रुपये,
आपको फोकस में दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा समझ में नहीं आ रहा मुझे कि देखिए दोस्तों दिख रहा है आपको 150 रुपये एक सवारी मारी दोस्तों मैंने और तकरीबन 8:30 बज रहे हैं और पूरा जो कारोबार है दोस्तों 1200 रुपये का कारोबार करके बैठा हूँ दोस्तों। आज का दिन तो एकदम बकवास ही था और खुशी भी बात इस बात की है नए लोगों से भी मिला हूँ और नए लोगों से मिलने का मौका भी मिला मुझे दोस्तों। तो इसके वास्ते चलिए आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं और कल नए व्लॉग के साथ आपको मिलूँगा दोस्तों। तो अपना ख्याल रखिए और गुड बाय दोस्तों।